हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ दी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और इसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। पहले भी मेरा इसके ऊपर जो है लेक्चर डला हुआ है, बट वो काफ़ी ब्रीफ था और सेकंड पार्ट की काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे लगा कि मैं पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को मैं अपडेट करूं, उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको अपडेट करूं, फिर उसके बाद जो है इसका सेकेंड पार्ट जो है आपको दो तीन दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ये दो पार्ट्स के अंदर कवर हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है, और उसी तरह ये जो टॉपिक है एमकॉम के लिए भी रेलेवेंट है, एमबीए के लिए भी रेलेवेंट है, और जो लोग नेट कॉमर्स नेट मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये सिग्निफिकेंट है। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी लिमिटेशन क्या थी, जिसकी वजह से लगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है यूज़ होना चाहिए, कि यहाँ पे कॉमन जो कॉस्ट होती है उसको हम एक्टिविटी जो है के बेसिस पे एलोकेट करते हैं। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग थी यहाँ पे क्या होता था कि जब हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, हमें पता है दो तरह की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि कॉमन होती है। डायरेक्ट कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हमने ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो ए प्रोडक्ट के साथ ये रिलेटेड है। उसी तरह हम ए बी सी तीन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि कॉमन कॉस्ट है उसका कुछ हिस्सा ए के अंदर, मतलब वो एक कॉमन कॉस्ट है तो जहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि, तो उसको हम जो है एलोकेट करते थे ट्रेडिशनल मेथड, जिसके अंदर क्या है कि जैसे डायरेक्ट जिसके जो अपोर्शनमेंट होती थी ओवरहेड कॉस्ट जो कि कॉमन कॉस्ट है, मशीन आर के बेसिस पे, लेबर आर के बेसिस पे, डायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे या इनपुट या आउटपुट के बेसिस पे, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होता था, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि कई बार किसी को वो ज़्यादा हिस्सा चला जाता था, किसी को कम हिस्सा चला जाता था। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती थी वो एंड प्रोडक्ट को जो है इस तरह से ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है एलोकेट की जाती थी, लेजर अकाउंट टू द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब रीअपोर्शनमेंट होती थी, और उसके बाद जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो था वो एंड प्रोडक्ट को जो है वो एलोकेट करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो मेथडोलॉजी यूज़ की जाती थी कि जो कॉमन कॉस्ट है उसको हमने मशीन आर के बेसिस पे या लेबर आर के बेसिस पे या डायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे या इनपुट आउटपुट के बेसिस पे, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होती थी, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होती थी वहाँ पे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है या तो वो अंडर अब्सॉर्ब हो जाते थे या वो ओवर अब्सॉर्ब हो जाते थे, तो जिसकी वजह से ट्रू कॉस्ट जो थी इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती थी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, मतलब ये एक नया सिस्टम है, और जिसके अंदर जो कॉमन कॉस्ट होती है ज़्यादा रियलिस्टिक बेसिस पे क्या है कि इसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश की जाती है। और बहुत सारी लागतें ऐसी हैं जिनको कॉमन कॉस्ट अननेसेसरली ट्रीट किया जाता है और उनको एक आर्बिट्रेरी मेथड के बेसिस पे क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको एलोकेट किया गया है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे कॉमन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, लेबर कॉस्ट जो है डैट बिकम्स ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ द कॉस्ट। तो बेसिक आइडिया जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम का है कि कॉस्ट को यहाँ पे हम बेसिकली उनके कॉस्ट पूल्स बनाएं और उसके बाद हम जो है कॉस्ट ड्राइवर जो है आइडेंटिफाई करें, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि वो कॉस्ट इनकर की जाती है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है जिसके अंदर कॉस्ट सिस्टम को रिफाइन किया गया है और जहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कि यहाँ पे ट्रेस मोर कॉस्ट एज द डायरेक्ट कॉस्ट, और यहाँ पे होमोजेनियस कॉस्ट पूल जो है डिवेल्प किए जाए, ग्रुप्स बनाए जाएँ और जिसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ लिंक किया जाए। मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि कॉस्ट पूल्स होते क्या हैं। फॉर ईच एक्टिविटी कॉस्ट पूल के अंदर क्या है कि एक कॉस्ट एलोकेशन बेस जो है जिसके बेसिस पे हम जो है कॉस्ट को एलोकेट करें, और यहाँ पे हम देखें कि कॉस्ट पूल और कॉस्ट के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम है ये एक रियलिस्टिक मेथड है। अब हम देखते हैं कि वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम था उसके अंदर क्या था कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करते थे और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का हिस्सा
हिस्सा बहुत ज़्यादा होता था और ओवरहेड जो कॉस्ट होती थी वो बहुत लिमिटेड होती थी। बट अब कंपनी जो है बहुत ज़्यादा रेंज में प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, तो ओवरहेड जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट का होता है। और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड है वो जस्टिफाइड नहीं होते, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है। अगर हमने इंटरनेशनल सिनेरियो पे कम्पीट करना है तो वी हैव टू अडॉप्ट ए करेक्ट कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वॉल्यूम रिलेटेड, जो कि इतने क्वांटल या इतने टन जो है चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई है, बट जो नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी जिनको हम जो है मतलब मेयर नहीं, क्वांटिटेटिवली मेयर नहीं कर सकते, मटेरियल हैंडलिंग सेटअप, बट वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है इन चीज़ों को भी ध्यान में रखता है। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आर रिलेटेड टू एक्टिविटी, जैसे हम चीज़ों को परचेज करते हैं, मटेरियल को हैंडल करते हैं, चीज़ों को इंस्पेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये फंडामेंटल ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है उन, जब हम प्रोडक्ट्स जो है एक्टिविटीज़ कंज्यूम करते हैं और एक्टिविटी जो है रिसोर्सेज को कंज्यूम करती हैं, तो एलोकेशन ऑफ दोज कॉस्ट अगर हम एक्टिविटी के बेसिस पे करें तो वो ज़्यादा सुटेबल है। तो पहले हम कॉस्ट देखते हैं कि किस एक्टिविटी के साथ है, बट जब हम ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर था तो कॉस्ट जो होती है पहले ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जैसे डिपार्टमेंट, प्लांट, फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स को एलोकेट की जाती थी, जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होती। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर जो एक्टिविटी है ए यूनिट ऑफ वर्क, कॉस्ट ड्राइवर जो है एक फैक्टर है जिसके बेस पे क्या होता है कि कॉस्ट इनकर की जाती है, कॉस्ट ड्राइवर इज ए फैक्टर सच एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट जो है इनकर करते हैं। कॉस्ट ड्राइवर जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे कॉस्ट को हम इनकर करते हैं, और अगर हम एक्टिविटी के बेस पे जो है कॉस्ट को एलोकेट करते हैं तो इसके अंदर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी आती है। और यहाँ पे हम कॉस्ट पूल और जो कॉस्ट है उसके बीच में कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को भी मेयर कर सकते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट जो है डैट इज़ अकाउंटिंग मेथडोलॉजी, और जिसके अंदर जो ओवरहेड एंड डायरेक्ट कॉस्ट है वेरियस एक्टिविटी के बेसिस पे क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं उसके बेसिस पे हम उसको एलोकेट करते हैं। और यहाँ पे हम कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसे प्रोडक्ट या जॉब या सर्विस को उनके यूज़ ऑफ एक्टिविटीज़ के उस जो प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जॉब हम रेंडर कर रहे हैं या सर्विस रेंडर कर रहे हैं उसके अंदर उन एक्टिविटीज़ का यूज़ कितना है जिसके बेसिस पे क्या है कि हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है डैट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ कि एक्टिविटी के बेसिस पे क्या होता है कि कॉस्ट इनकर की जाती है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी के बेसिस पे हमें जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट्स को एलोकेट करनी चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉस्ट एट्रीब्यूशन टू कॉस्ट यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ जैसे ऑर्डरिंग, सेटिंग अप या एश्योरिंग क्वालिटी, की जो एक्टिविटीज़ के बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स जो हम कॉस्ट इनकर करते हैं उसके बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स बेनिफिट लेते हैं, तो जब हम एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट करते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और उसी तरह सेकेंड जो डेफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन ट्रेसिंग द सिग्निफिकेंट एक्टिविटी ऑफ द फर्म टू द प्रोडक्ट कॉस्ट, कि जब हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली हमने एक्टिविटी के उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के करने के अंदर कितनी एक्टिविटीज हुई और उसके बेसिस पे क्या है कि हमने उस कॉस्ट को एक्टिविटी के बेसिस पे जो है एलोकेट करना है। तो अब हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है इसके अंदर हम आइडेंटिफाई द एक्टिविटी जिसके रिगार्डिंग हम कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिविटी डायरेक्ट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। डायरेक्ट एक्टिविटी जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है जिसके अंदर हम ग्रुप्स बनाते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मशीन इंसर्शन ऑफ पार्ट्स, मैनुअल इंसर्शन ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पर जिस तरह से हम ग्रुप्स कॉस्ट जो है पूल बनाए जाते हैं और यहाँ पे हम एक सूटेबल कॉस्ट एलोकेशन बेस जो है सिलेक्ट करते हैं, और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि पहले हम देखते हैं कि उसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ, फिर उस प्रोडक्ट के अंदर उस एक्टिविटी का कितना यूजेस है, उसके बेसिस पे हम उसको कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच एक्टिविटी जो रिप्रेजेंट करती है कि उसने इतने रिसोर्सेज जो है कंज्यूम किए हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम एक्टिविटी बेस्ड
जो कॉस्टिंग है, इसके अंदर हम पहले मेन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम है या असेंबली है, और उसी के साथ जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग असेंबली जो मेन एक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के लिए है की जाती हैं, जैसे परचेजिंग है, पैकिंग है, डिस्पैचिंग है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो फैक्टर जो है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। हम यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगला जो है स्लाइड, उसके अंदर मैंने कॉस्ट ड्राइवर के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड कॉस्ट के बारे में एक्यूरेट डेटा जो है कलेक्ट करते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी एक्टिविटीज़ की डिमांड करते हैं, और यहाँ पे हम कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे उनकी डिमांड को मेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे क्या है कि हम ट्रेस द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू प्रोडक्ट्स डिमांड फॉर ईच एक्टिविटी। तो उसके बेसिस पे हम एलोकेशन करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर कैन बी डिफाइंड एज दोज एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन डेट आर सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट, कि जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे जो कॉस्ट इनकर की जाती है। जैसे अंडर ABC सिस्टम प्रोडक्ट कॉस्ट जो है, जिसके अंदर हम कॉस्ट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, और जिस तरह हम देखते हैं कि हर एक प्रोडक्ट जो है कितनी रिसोर्सेज जो है वो कंज्यूम करता है, तो कॉस्ट ड्राइवर एक एक्टिविटी है जो रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है और जिसके बेसिस पे कॉस्ट इनकर होती है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है, डैट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ कि एक्टिविटी, कोई भी चीज़ जब हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया है, तो डेफिनेटली डैट कॉज कॉस्ट। और यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ और प्रोडक्ट्स का आपस में लिंक क्या है, और एक्टिविटी के बेसिस पे क्या होता है कि हम जितनी डिमांड उस एक्टिविटी की है, उस प्रोडक्ट ने की है, उसके बेसिस पे हम कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द इवेंट्स एंड फोर्सेज जो कि कॉस्ट एक्टिविटीज़ को सिग्निफिकेंटली डिटर्मिन करते हैं, जैसे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। कॉस्ट इज जनरेटेड बाय द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स डैट ईच प्रोडक्ट जनरेट्स, कि जब हम प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कॉस्ट देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स जो है किए हैं, और नंबर ऑफ सेटअप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोडक्ट शेड्यूलिंग के अंदर जो है नंबर ऑफ सेटअप जो है वो कॉस्ट ड्राइवर्स प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए होते हैं, जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को इनकर करते हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो कॉस्ट ड्राइवर्स है, जैसे ये एक्टिविटी एरियाज है, मटेरियल हैंडलिंग है, स्टार्ट स्टेशन है, मशीन इंसर्शन ऑफ द पार्ट्स एंड क्वालिटी टेस्टिंग, तो ये हमारे एक्टिविटीज एरियाज हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड एज एप्लीकेशन बेस के नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, नंबर ऑफ मशीन इंसर्टर पार्ट्स, आर्स ऑफ टेस्ट टाइम। तो इस तरह से हम एक्टिविटी एरियाज डिफाइन करते हैं और जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉस्ट ड्राइवर है, देखो जब भी एक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होती है या कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन करना है, तो वहाँ पे भी जब इस तरह की डिज़ाइनिंग करती है या डिसाइडिंग करती है, तो वहाँ पे भी हम कॉस्ट को इनकर करने के लिए वेयर रेडी। और उसी तरह जब हम डिलीवरी चैनल के किस चैनल के द्वारा, जो इंटरमीडिएट के द्वारा हमने प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंचानी है, तो वहाँ पे भी हम कॉस्ट इनकर करते हैं। और कॉस्ट जो है डैट इज़ इनकर्ड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। देखो जब हम प्लानिंग करते हैं उस वक्त भी हम कॉस्ट इनकर करते हैं, कमिट करते हैं, और जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल डिलीवरी करते हैं तो उस वक्त भी हम कॉस्ट जो है इनकर करते हैं। और कॉस्ट जो होती है, जब हमने कमिटमेंट किया है उस लेवल पर हमें मैनेज करनी चाहिए। कॉस्ट ड्राइवर जो फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को इनकर करते हैं, क्योंकि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं डैट, तो उसी के बेसिस पे हम कॉस्ट को इनकर करते हैं और वो हमारे रिसोर्सेज को जो है कंज्यूम करती है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ड्राइवर को मैनेज करना जो है डैट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिमिटेशन है, कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसकी जो लिमिटेशन है उसको हमने दूर करना है। यहाँ पे कॉस्ट जो है उसको हम ग्रुप्स के अंदर जो है एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं। और यहाँ पे जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का हमने एक पूल बना दिया, तो जो प्रोक्योरमेंट के साथ जो सारी कॉस्ट है वो उस पूल के अंदर चली जाएंगी, जैसे ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन, स्टोरिंग, डैट विल बी इंक्लूडेड इन डैट कॉस्ट पूल। और यहाँ पे हम कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करेंगे। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे पर रिक्विजिशन के, जो रिक्वेस्ट की है उसके बेसिस पे, पर रिक्विजिशन के बेसिस पे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर रिक्विजिशन कितनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे डिफरेंट कॉस्ट हम डिफरेंट पर्पस के लिए इनकर करते हैं, तो यहाँ पे हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जो पर्टिकुलर डिसीजन के लिए सिग्निफिकेंट
होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, देखो ये जो है डायरेक्ट कॉस्ट है और ये जो है ओवरहेड कॉस्ट है जिसको हम नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, तो ये हम प्रोडक्ट कॉस्ट को जो है एलोकेट करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे हर एक कॉस्ट ड्राइवर के लिए हम कॉस्ट सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेयर करते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंशिएशन, एक्टिविटीज़, उनकी कॉस्ट ड्राइवर्स और नॉन वैल्यू एडेड को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो जो हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है प्रोडक्ट वैल्यू ऐड करना, प्राइसिंग, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है कि वैल्यू एडिशन और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। और उसी तरह हम देखते हैं के कैटेगरीज जिसके अंदर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर सकते हैं, यूनिट लेवल एक्टिविटी जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर किए और इनडायरेक्ट मटेरियल हमने कितना यूज़ किया, बैच लेवल एक्टिविटी जो सपोर्ट होती हैं, नंबर ऑफ़ बैचेस कितने हैं जिसको हम बैच लेवल एक्टिविटीज़ कहते हैं, मटेरियल ऑर्डरिंग, मशीन सेटअप, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। और उसी तरह प्रोडक्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ जिसके अंदर क्या होता है कि हम कोई नया प्रोडक्ट जो है जनरेट करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग हो गया और जो स्पेसिफाइड लिमिट तक हम उसके पार्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट है तो उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। और उसी तरह फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज़ जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ी होती, बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ को मेंटेन करती हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, प्लांट की सिक्योरिटी, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी और जो कंपनी की प्रमोट करने के लिए जो हमने एडवर्टीजमेंट कंपेन जो है सेटअप किया है। तो यहाँ पे जो है इतना इसके अंदर हम करेंगे। और जो सेकंड पार्ट है वो आपको थोड़े दिनों के अंदर, दो तीन दिन के अंदर जो है, कोशिश है कि वो मैं जल्दी से जल्दी आपको सेकंड पार्ट जो है प्रोवाइड कर दूँ।